नौवा दिन भी KGF 2 हाई लेवल, नौवा दिन भी KGF 2 हाई लेवल कलेक्शन, और इसके लेवल का अभी वर्ल्ड में कोई आने वाला नहीं है अभी के टक्कर में। सो देखिए और आनंद उठाइए। अपने दूसरे हफ्ते में एंट्री मार चुकी है और इस हफ्ते दोस्तों इस फिल्म के सामने बॉलीवुड की फिल्म जर्सी भी रिलीज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी KGF चैप्टर 2 हिंदी बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आज रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के नौवे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। पीछे कर रही है या नहीं और इस फिल्म ने आज कौन कौन से नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार यश और बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त के डाहट फैंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म KGF चैप्टर 2 जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को लगभग 6000 स्क्रीन पर इंडिया में और 10000 स्क्रीन पर दुनिया भर में रिलीज किया गया है। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिले हैं। एक्शन, विजुअल्स और रॉकी भाई के स्पेक के लिए दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है और चुकी है। अपने पहले ही दिन 80 करोड़ रुपए की एडवांस लेने वाली इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है और यह फिल्म इंडियन सिनेमा की टॉप 3 ओपनिंग्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी थी। दोस्तों बताते चले आपको कि ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी पसंद किया है और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म अपने शुरुआती 4 ही दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 546 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। अपने पहले हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो काफी धमाकेदार रहा है और शुरुआती 7 दिनों तक यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 710 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। वही दोस्तों अपने 8वें दिन भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स मिला और इस फिल्म ने जहां अपने 8वें दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की, वही दोस्तों तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं को मिलाकर इस फिल्म का अपने 8वें दिन का जो टोटल नेट कलेक्शन था वो 28 करोड़ रुपए का रहा। ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर से 40 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया है, जिसके साथ दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 750 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 8 दिनों में कर चुकी थी और बाहुबली 2 के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक और नया इतिहास अपने नाम कर लिया है और इस फिल्म की जो अभी तक की एडवांस बुकिंग है यानी कि दोस्तों अपने पहले दिन से अभी तक इस फिल्म के जो एडवांस कलेक्शन है वो ही लगभग 350 करोड़ से ज्यादा के हो चुके हैं जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले ही 7 दिनों में पार कर चुकी है और इस फिल्म का शुरुआती 8 दिनों का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो लगभग 270 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। दोस्तों ये फिल्म इन 3 दिनों में ही 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को जल्द ही पार कर देगी और बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच चुकी होगी। बताते चले दोस्तों आपको कि आज इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर नौवां दिन है और आज इस फिल्म के सामने शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी रिलीज हो चुकी है। शाहिद की इस फिल्म के रिलीज होने की वजह से दोस्तों KGF की जो स्क्रीन है वह लगभग 2000 से 2500 स्क्रीन कम हो चुकी है और फिलहाल में ये फिल्म हिंदी में लगभग 2800 स्क्रीन पर चल रही है। और अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के हिंदी बॉक्स ऑफिस की तो आज की भी दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो जर्सी की एडवांस से 2 गुना है यानी कि दोस्तों इस फिल्म की आज की जो हिंदी एडवांस है वो 5 करोड़ रुपए की हो चुकी है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिलाकर आज इस फिल्म की जो एडवांस है वो 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आज इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो कल की ही तरह 25 से 30% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। ऑडियंस दोस्तों आज भी इस फिल्म को देखना पसंद कर रही है और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 9वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 40 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन है वो 800 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज पार कर चुका होगा। बताते चले दोस्तों आपको कि KGF चैप्टर 2 इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से इस फिल्म का जो कलेक्शन है यानी कि दोस्तों हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में इस फिल्म का जो टोटल है वो 650 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। ये फिल्म दोस्तों जल्द ही RRR के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे करने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर इंडियन सिनेमा की 3री हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बनने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों KGF वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर क्या 1500 करोड़ की कमाई कर पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आप